और अब बात विज्ञान की। इसरो ने गगनयान मिशन की ओर एकदम तेजी से कदम बढ़ाए हैं। इस मिशन का इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप अब शुरू हो गया है। आपको बता दें, इसका मतलब कि जिन लोगों को गगनयान मिशन से अंतरिक्ष में जाना है उनका प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2024 के शुरुआत में गगनयान मिशन का अनमैन्ड मिशन लॉन्च कर दिया जाएगा। चांद पर कदम और सूर्य की तरफ आदित्य L1 मिशन भेजने के बाद अब इसरो की तैयारी देश के पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को सफल बनाने की है। अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में गगनयान की पहली मानव रहित उड़ान की तैयारी की जा रही है, लेकिन उससे पहले कई तरह की टेस्टिंग की जानी है। गगनयान के लिए इसरो को अपना पहला इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट क्रू मॉड्यूल यानी IADT-CM मिल गया है। 7 अक्टूबर को चेन्नई में KCP लिमिटेड कंपनी ने इसे इसरो को सौंप दिया। इसरो ने KCP को 2 IADP क्रू मॉडल बनाने का ऑर्डर दिया था। मॉड्यूल को इसरो ने डिजाइन किया था और हार्डवेयर वेंकटेश्वर एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया था। बिना दबाव वाली एकल दीवार क्रू मॉड्यूल संरचना वास्तविक गगनयान क्रू मॉड्यूल के आकार और संरचना के अनुसार ही है। IADT में पैराशूट प्रणाली, पायरूज, एवियोनिक्स और उछाल वृद्धि प्रणाली जैसी खासियत है। अंतरिक्ष से लौटते वक्त IADT के पैराशूट और पायरोक टेस्ट करने के लिए क्रू मॉड्यूल संरचना को 3.6 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर टेस्टिंग की जाएगी। इसके लिए क्रू मॉड्यूल को कई स्टेज में विकसित किया गया है। इसमें प्रेशराइज्ड केबिन होगा ताकि बाहरी वायुमंडल या स्पेस का असर एस्ट्रोनॉट्स पर न पड़े। टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 के लिए क्रू मॉड्यूल तैयार है। इसका इंटीग्रेशन और टेस्टिंग हो चुका है। अब इसे लॉन्चिंग के लिए श्रीहरिकोटा भेजा जाएगा। टेस्टिंग के लिए बनाया गया यह क्रू मॉड्यूल असल क्रू मॉड्यूल के आकार, आकृति और वजन का है। इसमें एवियोनिक्स सिस्टम लगा है जो पूरे टेस्ट मिशन के दौरान नेविगेशन, सिक्वेंसिंग, टेलीमेट्री, ऊर्जा आदि की जांच करने में मदद करेगा। क्रू मॉड्यूल को अबॉर्ट मिशन पूरा करने के बाद बंगाल की खाड़ी में भारतीय नौसेना की टीम रिकवर करेगी। इस मॉड्यूल की टेस्टिंग के लिए इसरो ने सिंगल स्टेट के लिक्विड रॉकेट का डेवलपमेंट किया है। इस टेस्ट में क्रू मॉड्यूल के साथ क्रू एस्केप सिस्टम होंगे। ये दोनों आवाज की गति से ऊपर जाएंगे, वहीं पर क्रू एस्केप सिस्टम डिप्लॉय होगा और पैराशूट से नीचे आएगा। इसमें पैराशूट लगा देंगे और उसके बाद इसके अंदर गगननॉट्स को हमारा एयरफोर्स मैन ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं। उस गगननॉट्स को इसके अंदर उसको बैठकर वो भी लाइक बाद में टेस्ट होगा। पहले इस स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर होल्ड कर रहा है, जो कि जब एक एयर ड्रॉप टेस्ट हो रहा है, ये सब इसको टेस्ट करने के लिए ये क्रू मॉड्यूल को अभी तैयार किया है और इसको इसरो के बाद इसरो के साथ हैंड ओवर भी कर दिया। क्रू मॉड्यूल का अंदर का हिस्सा लाइफ सपोर्ट सिस्टम से युक्त होगा। ये उच्च और निम्न तापमान को बर्दाश्त करेगा, साथ ही अंतरिक्ष के रेडिएशन से भी गगननॉट्स को बचाएगा। हीट शील्ड जहां वायुमंडल के घर्षण से पैदा गर्मी से बचाएगा, वहीं समुद्र में लैंडिंग के समय पानी के टकराहट से लगने वाली चोट से भी। हालांकि क्रू मॉड्यूल को समुद्र में स्प्लैश डाउन करते समय उसके पैराशूट खुल जाएंगे ताकि इसकी लैंडिंग सुरक्षित हो सके। भारतीय अंतरिक्ष यात्री यानी गगननॉट्स क्रू मॉड्यूल में बैठकर धरती के चारों तरफ 400 किलोमीटर की ऊंचाई वाली निचली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। इसमें डबल दीवार वाला अत्याधुनिक केबिन है, जिसमें कई प्रकार के नेविगेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, फूड हीटर, फूड स्टोरेज, टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी। IADT क्रू मॉड्यूल का साइज 3.1 मीटर है, जबकि इसकी ऊंचाई 2.6 मीटर है और वजन 3,120 किलोग्राम है। इसको बनाने में एल्युमिनियम और स्टील का प्रयोग किया गया है। इसरो का कहना है कि 2024 की शुरुआत में गगनयान मिशन का पहला अनमैन्ड मिशन प्लान किया गया है, यानी इसमें किसी भी मानव को स्पेस में नहीं भेजा जाएगा। अनमैन्ड मिशन के सफल होने के बाद मैन्ड मिशन होगा, जिसमें इंसान स्पेस में जाएंगे। चेन्नई से प्रमोद माधव के साथ रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।